नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल में 150 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने कहा कि एक शिक्षक समाज के अनंत काल को प्रभावित करता है, लिहाजा उनका कार्य बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। इसलिए शिक्षक और गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय श्री विवेक अग्रवाल जी। पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय मॉडल स्कूल में शिक्षक दिवस का आयोजन उत्साह पूर्वक मनाया गया। इसमें सीएम राइज स्कूलों के प्रिंसिपलों सहित 150 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक अग्रवाल एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव करमहे बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। अपने उद्बोधन में न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने कहा कि शिक्षकों का दायित्व बेहद महत्वपूर्ण होता है, वे समाज को अनंत काल तक प्रभावित करते हैं। आपके ऊपर ये अतिरिक्त दायित्व है कि आप जो बच्चा आपके संपर्क में आता है उसकी भावनाओं को समझें, उसके संप्रेषण में उसको मदद करें और उसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है उसको निकालने का प्रयास करें। लेकिन जो आपकी ऊर्जा है, जो आपकी सकारात्मकता है, वह उन संसाधनों की कमी से जूझने के लिए पर्याप्त है और मुझे विश्वास है कि हम अपने भविष्य को जो है और बेहतर बनाने में आपका सहयोग हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव करमहे ने कहा कि शिक्षा और ज्ञान की ज्योति जलाना कोई साधारण कार्य नहीं है। मैं समझता हूँ आप लोगों के पास नन्हे बालक बालिकाएं होते हैं और जो घर में कहा जाता है उसे भले वो स्वीकार ना करें, लेकिन क्लास में जो शिक्षक उन्हें कहते हैं उसका सारी जिंदगी उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है। तो ये संस्कार अच्छे और बुरे का भेद ये करना भी हम उनको सिखाते हैं। ऐसे ही आज जो बड़ा प्रासंगिक है वो ये है कि हर माता पिता ये सोचने लगे हैं कि बच्चे को हमें ग्रेट बनाना है, महान बनाना है, लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि हम माता पिताओं को भी ये समझाएं, समाज के लोगों को, कि बच्चों को महान बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उनको गुड बनाने की आवश्यकता है। इस मौके पर मॉडल स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जबलपुर जिले के चयनित शिक्षकों को, सेवानिवृत्त शिक्षकों को, सेवानिवृत्त प्राचार्यों को और अच्छे कार्य करने वाले प्राचार्यों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री विवेक अग्रवाल जी, न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर और सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राजीव करमहे जी आज यहाँ रहे और शिक्षकों को पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। शिक्षा विभाग और स्कूली बच्चों से अपनापन, स्नेह और सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी यादव महासभा द्वारा नगर निगम चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यादव महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 7 सितंबर को दोपहर 12 बजे से निकलने वाली इस शोभा यात्रा में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं पर आधारित झांकियां भी शामिल रहेंगी। यादव महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 7 सितंबर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दोपहर 12 बजे नगर निगम चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें भगवान श्री कृष्ण की 12 से ज़्यादा जीवंत झांकियां और देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं शामिल रहेंगी। अहीर नृत्य, शैला नृत्य, टोलियाँ, बैंड, धमाल और अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे। निश्चित तौर पर भगवान कृष्ण का प्रकृति के प्रति एक विशेष प्यार और स्नेह रहा, उसे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने का प्रयास करें। गौ माता के साथ जो उनका एक संबंध रहा सम्मान का, वो भी आपको झांकी के रूप में देखने मिलेगा। पूरे संस्कार धानी के नागरिकों से, प्रदेशवासियों से और स्वजाति बंधु सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। समय सदगुरु भैया जी सरकार के पावन सानिध्य में पुराने बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। इसमें विशेष यह है कि जितने हमारे उपनगर हैं सारे उपनगरों से बड़ी संख्या में हमारे वो स्वजाति बंधु आएंगे
और इस यात्रा का मुख्य जो है, ऐसा नहीं कि ये समाज कर रही है, लेकिन सकल समाज इसमें आमंत्रित है और इसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेके, चाहे वो माखन चरित्र हो, बाकी की लीलाएं, उनका जीवन तो वहाँ पे जो है वो आपको झांकी देखने के लिए मिलेगी। पर्यावरण का एक बड़ा संदेश जो है इस यात्रा में आपको देखने मिलेगा। आयोजक मंडल के मुताबिक धर्म जागरण की अलख जगाने निकाली जाने वाली इस शोभा यात्रा का समापन हनुमान ताल गोहलपुर में किया जाएगा। समरसता सेवा संगठन ने बलराम जयंती पर विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। वहीं पूर्व में कजलिया महोत्सव के दौरान संपन्न हुई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया। 31 अगस्त को संपन्न हुए कजलिया महोत्सव के बाद समरसता सेवा संगठन ने बलराम जयंती पर सिंधी धर्मशाला में विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मकसद समाज में समानता का भाव लाना है और ऊंच नीच जाति भेद को भूलकर समरस समाज की परिकल्पना को साकार करना है। भगवान बलदाव बलराम जयंती का आयोजन किया गया। जो समरसता कजलिया महोत्सव थे उसमें पूजा की थाली और निबंध प्रतियोगिता के भी आयोजन किया गया था। उन प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं में जो प्रथम 10 थे उनको 1100 रुपये की राशि दी गई और बाकी सभी को प्रोत्साहन स्वरूप स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र दिए गए। वहीं पूर्व में कजलिया महोत्सव के दौरान संपन्न हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। किसानों को दी जा रही बिजली में कटौती किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे भारत कृषक समाज के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर के लिए धरना दे दिया। आक्रोशित किसानों ने 10 जगह 7 घंटे बिजली दिए जाने पर आपत्ति जताई है। भारत कृषक समाज संगठन के सदस्य कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और विभिन्न मांगों को लेकर कार्यालय परिसर में धरना दे दिया। कुछ देर के लिए धरने पर बैठे सदस्यों का आरोप है कि उनको पूर्व में 10 घंटे बिजली दी जाती थी, लेकिन अब नए फरमान के बाद केवल 7 घंटे बिजली दिया जाना तय हुआ है, जिसके कारण कृषकों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं मूंग के भुगतान संबंधी समस्या से भी आला अधिकारियों को अवगत कराया गया। सरकार ने एक फरमान जारी किया है कि किसानों को 10 घंटे जो कृषि के लिए पंप के लिए बिजली मिलती थी वो अब केवल 7 घंटे बिजली मिलेगी। तो ऐसे समय में जब हमारे किसान को पानी की आवश्यकता है, अगर हम अपने साधनों से भी सिंचाई करना चाहें तो अब बिजली नहीं होने के कारण हम अपने साधनों से सिंचाई नहीं कर पा रहे। नहरों की हालत पूरे जबलपुर ज़िले में ख़राब हैं और टेल एंड तक तो क्या थोड़े दूर तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है और पानी के प्रवाह के ना होने के कारण हमारा किसान अपने जो सिंचाई का पानी है उसका उपयोग, नहर का उपयोग नहीं कर पा रहा है। किसानों की समस्याओं का निराकरण ना होने पर संगठन ने आंदोलन करके चेतावनी दी है। सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने घमापुर चौक पर कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी से हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है और संगठनों के द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन करके विरोध जताया। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बयान से हिंदू धर्मावलंबियों को काफी ठेस पहुंची है। मॉनसून का नया सिस्टम बनने से हुई राहत की बरसात से शहरवासियों समेत किसानों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव प्रसन्न हुए और बारिश का क्रम शुरू हुआ। मौसम विभाग द्वारा संभाग के कई स्थानों में वर्षा होने की संभावना जताई है। काफी दिनों के बाद हुई बरसात से लोगों ने राहत की सांस ली। शहरवासियों ने कहा कि इंद्रदेव ने लोगों की पुकार सुन ली और बरस पड़े हैं। खासकर किसानों के लिए ये बरसात राहत भरी है,
न केवल इससे गर्मी से निजात मिली है बल्कि फसलों के लिए भी लाभदायक है। इस पानी से किसानों की फसल में और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी जिससे बीमारियां बढ़ रही थी उसमें भी राहत मिली है। इस तरीके से पानी यदि गिरता रहे तो गर्मी भी कंट्रोल रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक होगा और किसानों की फसल में भी बहुत फ़ायदा हो रहा है इस पानी से। ईश्वर की कृपा से ऐसा पानी बरसता रहे। आज बहुत दिनों बाद बारिश हुई है, करीब 15 दिन बाद ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हुई है। हालांकि गिरा कम है पानी, मगर अगर इतना पानी अपने चारों तरफ गिर जाता है तो किसानों को भी बहुत राहत होगी, क्योंकि मूंग और उड़द दोनों फसलें 15 दिन के अंदर आने वाली हैं और ये पानी अगर उनको मिल जाता है तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा, नहीं तो उनकी फसल सूख जाएगी। इससे मंडी शुल्क का भी नुकसान होगा और व्यापारियों का भी आहित होगा कि वो दो पैसे कमा नहीं पाएंगे। मगर ऐसी जानकारी है कि भी दो तीन दिन आने वाले दो तीन दिनों में बरसात और हो सके। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं बारिश का आंकड़ा भी 1120 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। मझौली में कुदरत के कहर की खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से दो लड़कों की मौत हो गई। घटना मझौली जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोलीहार की है। दोनों लड़के खेत में घूमने गए थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ। मझौली के ग्राम जोलीहार में आकाशीय बिजली गिरने से दो लड़कों की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब दोनों छात्र अपने साथियों के साथ खेतों में घूम रहे थे, तभी वज्रपात हुआ और दोनों उसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि आशिक विश्वकर्मा एवं उसका साथी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे, उसी वक्त बिजली पेड़ पर गिरी और दोनों मौत की आगोश में समा गए। इस घटना से गांव में शोक की लहर है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।